Oh no, fuel almost खत्म हो गया है। हम ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते, हमें लैंडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे में लैंडिंग की तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन लैंड नहीं किया तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा और किसी के बचने का कोई चांस नहीं रहेगा, इसलिए हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अटेंशन प्लीज, सब पैसेंजर्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सीट बेल्ट और एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ लें। अल्फा 20 गो अहेड। सर, A780 के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी है। लेकिन प्लेन की लैंडिंग कैसे हो सकती है? अभी तक बालवीर ने प्लेन के टायर नहीं खोले हैं। सर, प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, इसीलिए पायलट ने लैंडिंग की परमिशन मांगी है। अल्फा 20 गो अहेड। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लेन को लैंडिंग की परमिशन क्यों दे रहे हैं? आप पायलट को थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल दीजिए, शायद तब तक बालवीर व्हील्स खोल देगा। देखिए, शायद बालवीर भी लैंडिंग गियर नहीं खोल पा रहा है और फ्यूल खत्म होने वाला है, शायद इसीलिए पायलट लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है। दैट्स द ओनली ऑप्शन। अल्फा 20 गो अहेड। अभी तो पहिए भी नहीं खुले, फिर ये विमान नीचे क्यों जा रहा है? जरूर विमान का इंजन समाप्त होने वाला है, पर अगर विमान ऐसे नीचे गया तो सब बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे इन पहियों को खोलना ही होगा। Three thousand feet. Fifteen hundred feet. Oh.
सेफ लैंडिंग। ओह नो, हमने इतने कम डिस्टेंस में लैंडिंग की है कि अगर हम पूरी फोर्स से भी ब्रेक लगाए तो प्लेन रनवे पे नहीं रुकेगा। एक मिनट। प्लेन की लैंडिंग तो सही होगी लेकिन प्लेन का रनवे पे रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन अंकल ऐसा हुआ तो क्या हुआ, लैंड तो हो गया है ना? अगर ऐसा हुआ तो प्लेन जाके दीवार से टकरा जाएगा, इससे क्रैश हो जाएगा और प्लेन में आग भी लग सकती है। अल्फा 20, अरेंज फॉर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड, सारे एग्जिट्स ओपन रखो ऑन रनवे नंबर 3। यस क्विकली प्लीज, सब जहां है वहीं रहे और अपनी सीट को कस के पकड़ के रखिए क्योंकि शायद हमारा प्लेन सामने दीवार से टकराने वाला है। आई रिपीट, सामने दीवार से टकराने वाला है। क्या दीवार? सामने तो दीवार, और फिर विमान रुक क्यों नहीं रहा? लगता है विमान की गति इतनी है कि वो इतने कम समय में रुक नहीं पाएगा और दीवार से टकरा जाएगा। अब मुझे इस विमान को रोकना होगा, मगर कैसे? इस विमान को मैं कैसे रोकूं? मेरे पास तो मेरी जादू शक्तियां भी नहीं है। बालवीर आप चिंता मत करो, आपकी शक्तियाँ वापस लौटाने के लिए ही रानी परी ने हमें यहाँ भेजा है। हाँ बालवीर, तुम्हारा बच्चों के लिए प्यार और उनका तुम पर विश्वास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। शुक्रिया माँ, शुक्रिया वेंकट परी, अब मैं शक्तियों की मदद से इस विमान को रोक पाऊंगा। शुक्रिया। हे बाल परी, शक्ति देख खरी, बुराई की शक्ति होती है खोटी, बन जाए इस विमान से बाल परी की चोटी।
महर, तुझे कभी किसी की नजर ना लगे और तुझ पर कभी कोई मुसीबत ना आए। हम पर भी, और अगर हम पर मुसीबत आएगी भी तो बालवीर है ना माँ। बालवीर आ भी गया। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए बालवीर आए। अरे नहीं नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं आने वाली, मैं तो बस अपनी माँ से मिलने आया। बालवीर, महर को बचाने के लिए और उसे वापस लाने के लिए थैंक यू। सिर्फ महर को ही नहीं, बाकी सारे बच्चों को बचाने के लिए भी थैंक यू। अरे आप सबको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, और हमें पता है कि तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटोगे। हाँ माँ, और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी माँ से कह सकूँ कि मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। हाँ स्मिता, अब तो तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा। यस, और मैं तुम खुद अपने हाथों से आंटी को खिलाओगी। हाँ मैं, तुम अपने हाथों से ही अपनी माँ को खिलाओ। और शुरुआत इस लड्डू से करते का, लेकिन अभी नहीं, बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं। अरे हाँ, मन तो नहीं बदला बालवीर का, लेकिन बदल गई आपकी जीवन की रेखा और बनकर रह गई आप एक भस्म का ढेर। नहीं निभाया आपने अपना फर्ज मुझे प्रधान नहीं बनाने का, लेकिन ये तोबा निभाएगा अपना फर्ज और देगा आपके भस्म के ढेर को एक आखिरी श्रद्धांजलि। बालवीर मेहर को अपने साथ है? लेकिन है अगर मेहर यहाँ, है कौन वहां बालवीर के साथ? भस्म परी। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा। क्या 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 बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है, मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है और जो हारता है वही हारता है, हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। जीतता है, जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को, हार कर जीतने वाले को बासीकर कहते हैं, बासीकर कहते हैं।
और महाभस्म परे और महाभस्म परे बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तबाता, समझे तबाता। कहा था सही महाभस्म परी ने, हार कर भी वो जीतती है, वो अब सचमुच बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर। वाह महाभस्म परी, वाह हे इस तोबा तोबा का आपको सलाम। मैं माना नहीं, बालवीर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही मैं हम सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। बड़ी बुरी हूं मैं, बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं, और इस बार बदल दी है मैंने तुम्हारी जीती हुई बाजी बालवीर, क्योंकि तुम जीत के भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई हूं, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर ये तो मेरी पहली जीत, मेरी अगली जीत होगी जब तुम खुद मुझे उस सुनहरे चिन्ह तक ले जाओगे जिसे परियों ने नर्क के द्वार से चुराया और मुझसे छुपाकर परिलोक में रखा है। उसके बाद तुम्हारे सामने मैं उन सारे दैत्यों को आजाद कराऊंगी और तुम्हारे इन प्यारे बच्चों वाली पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाऊंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।